पहले सुन लेता ना, 2 मिनट का फर्क पड़ता है। अब यहाँ पे लास्ट जोन होता है, आगे 2 बंदे, मेरे सामने वाले घर पे 2 बंदे। जैसे ही इस बंदे को नॉक करता हूँ, राइट से मेरे को एक बंदे को उड़ने की साउंड आती है। तुरंत छत के ऊपर आया और मेरे घर के नीचे भी 2 बंदे। तो भाई लोग कैसे हो यार, मैं आ गया हूँ एक और तबाही वीडियो लेकर के। और भाई सच में तबाही है, मतलब भाई ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। बाकी कल वाली वीडियो क्रेट ओपनिंग की नहीं देखी तो भाई देख लेना जाके, क्योंकि भैया जी वो भी खतरनाक था और उससे खतरनाक ये वाला मैच होने वाला है। वैसे आपने इंट्रो देख के तो भाई आइडिया लगा ही लिया होगा, लेकिन मत लगाओ क्योंकि भाई उससे भी खतरनाक खतरनाक फाइट आपको बीच में गेम के देखने को मिलेगी। वो तो भाई एंडिंग था, लेकिन भाई ऐसे नहीं कि भाई स्किप करके देख लेना, अब शुरू से देखो मैच, बहुत ज्यादा मजा आएगा। और स्ट्रीमर वाला फाइट भी आपको आगे देखने को मिलने वाला है, बाकी तैयार हो जाओ तबाही के लिए। और सुनो, आईफोन 15 लॉन्च हो गया है और मैं आपको दिला सकता हूँ ये आईफोन 15 सिर्फ 1 रुपए में। अगर सुन के चक्कर आ गया हो तो बैठ जाओ और दोबारा सुनो, आईफोन 15 सिर्फ 1 रुपए में। जानने के लिए बस वीडियो देखते रहो। अब यहाँ 2 बंदे को भाई फिनिश करते हैं, बाकी लूट वगैरह करते हैं। और हाँ भाई, जो आखिरी वाली स्क्वाड से फाइट आपको दिखाने वाला, मतलब वो ऐसी स्क्वाड थी कि भाई बस वो मेरे को मारने के लिए बैठी थी। मतलब आप लोग देखोगे ना उनसे फाइट मेरी, तो आप समझ जाओगे कि भाई ऐसा ही लगेगा आपको कि भाई वो लोग बस मेरे को ही मारने के चक्कर में पड़े हुए थे। अब यहाँ फटाक से पहले किल चुराता हूँ। अब इस बंदे को 1-2 गोली मारते हैं, पर बंदा कवर में भाग जाता है। लेकिन जो भी हो, अब यहाँ से असली मजा आपको देखने को मिलने वाला है। सामने के साइड यहाँ बंदे थे, अब बंदे को नॉक करके फिनिश करने का प्लान था, पर ऐसा हो नहीं पाता है। लेकिन उतने में यहाँ 2 बंदे और दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे भी 1 किल चुराता हूँ और अब करते हैं भाई सीधा रस और देखना क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले चलिए अब बात करते हैं कि कैसे आप जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 15, वो भी सिर्फ 1 रुपए में। ये ऑफर इतना इनक्रेडिबल है कि आपको खुद देखकर विश्वास करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करो माई 11 सर्कल और टीम बनाओ एशिया कप के फाइनल मैच इंडिया और श्रीलंका के लिए। गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतो शानदार आईफोन 15। इस कॉन्टेस्ट की एंट्री फीस सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए है, और ये कॉन्टेस्ट सिर्फ इंडिया और श्रीलंका के मैच के लिए ही वैलिड है और सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है। तो इसे मिस मत करना, क्योंकि एशिया कप का लास्ट मैच है ये और आपके पास लास्ट मौका। मेगा कॉन्टेस्ट का टॉप प्राइज में जीतो SUV कार। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करो, यूज करो मेरा कूपन कोड, तो डिपॉजिट करते ही मिलेगा आपको 20% का एक्स्ट्रा कैश। डाउनलोड द ऐप फ्रॉम डिस्क्रिप्शन एंड मेक योर टीम फॉर इंडिया वर्सेस श्रीलंका नाउ। अब पहले मैं सोच रहा था कामे हमें हमारो, लेकिन फिर सोचा कि भाई रश करते हैं सीधा। तीनों बंदों को नॉक करके फिनिश करता हूँ, लेकिन भाई इससे मेरा पेट नहीं भरा था। अभी यहाँ पे और बंदे भी थे और मेरे को और किल चाहिए था। तो सबसे पहले यहाँ हेल्थ वगैरह करता हूँ, उसके बाद देखना क्या होने वाला है। अब मैं सोचा कि सामने जो टावर उसमें चला जाता हूँ, लेकिन ये स्क्वाड तो भाई मेरे से एक कदम आगे निकलती। जैसे यहाँ से वाले घर में आया, भैया जी एक बंदा टावर में जा चुका था और बंदे को पता था कि मैं उसमें जाऊंगा, इसलिए बंदा पहले ही पहुंच जाता है। खैर अब मैं नेड करता हूँ यहाँ पे और देखते जाओ क्या होता है। अरे यार भाई। अब जहां सिचुएशन खतरनाक था, वहां टीममेट अपने नेट से ही फट जाता है। वाह भी।
अब सामने बंदा टीपी पी लेके बैठा था और मेरे को पता था कुछ ना कुछ गलती करेगा ये। एक बंदे को जैसे ही नॉक करता दूसरा बंदा यहाँ रस कर रहा था, पर अब बंदे ने प्लान बदल लिया। जैसे इनका अग्नि परीक्षा लिया, पीछे वाले टावर में से भाई एक बंदे की साउंड आती है। और मैं तुरंत भाई वहां से उड़ के निकलता, क्योंकि बंदा टावर में था, नेड फेंकता या फिर एंगल लेता ना तो मेरे को आराम से मार देता यार, तो वहां से निकलना ही सही था। खैर जो भी हो, दोनों बंदे यहाँ नॉक हो चुके थे, एक बंदा तो फिनिश ही हो चुका था, बाकी टावर वाले बंदे का मेरे को अता पता नहीं था कि बंदा कहाँ पे है। तो सबसे पहले यहाँ घर के ऊपर जाता हूँ। ये बंदा तो अपना पिछवाड़ा बचा के भागने लग गया था, वो तो भाई सही टाइम पे देख लिया और बंदे को नॉक कर दिया मैंने। अब जल्दी से उड़ के यहाँ घर के पास आता हूँ कि बंदा कहीं रिवाइव ना हो जाए। लेकिन यहाँ आने के बाद तो भैया जी बंदे की लोकेशन पता ही नहीं चल रही थी, और मेरे को यहाँ लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बंदा रिवाइव हो रहा हो। सामने दीवार कूद देता वो यहाँ बंदा दिखता है, तो अब करते हैं अपना काम। लकी भैया तो यहाँ इतना ज्यादा लकी थे कि भाई मेरे नेट से नॉक हो जाते हैं यार, अब क्या चाहिए। खैर नॉक करने के बाद भाई मेरे को लगा बंदा भागेगा पीछे के साइड, पर ये तो भाई फिनिश होने आ रहा था। और इसी से मैं समझ गया कि भाई इसके टीममेट यहाँ पे नहीं है, और जो बंदे को मैंने नॉक किया है वो बंदा भी इधर ही कहीं होगा। और मेरा शक सही होता है, बंदा इधर ही कहीं था, तड़प के मर जाता है। खैर जो भी हो भाई, लूट वगैरह करते हैं, उसके बाद बूस्ट करते हैं, और उतने में टीममेट बोलता है कि उसके सामने बंदे आ चुके हैं जहां से मैं अभी उड़ के आया, और ये दूसरी स्क्वाड कहीं और से आई है। तो भैया जी यहाँ पूरा बूस्ट करते हैं पहले, उसके बाद सीधा रस करेंगे। इस बंदे को तो आइडिया भी नहीं था कि यहाँ पे कोई आ चुका है, बंदे को नॉक करता हूँ। अब मेरा प्लान था उड़ के जाने का, लेकिन उतने में इस बंदे को नॉक करके भाई जैसे यहाँ उड़ के निकला मैं, इस वाले बंदे का तो भाई मेरे को आइडिया भी नहीं था कि बंदा टावर के अंदर बैठा हुआ है। खैर जो भी हो, नॉक कर देता हूँ और लास्ट बंदे को यहाँ टीममेट मार देता है, बाकी फिनिश वगैरह करते हैं। और अगर थोड़ा सा भी देखो मजा आ रहा हो वीडियो में तो भाई लाइक कर दो, और जो बंदे भी चैनल पे नए हो सब्सक्राइब भी कर लो यार। और जिन्होंने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया आ जाओ यार, वहाँ पे थोड़ी बातें बातें करते हैं। और भैया जी क्लच वगैरह भी मैं खतरनाक खतरनाक पोस्ट करने वाला हूँ रोज एक दो, तो आ जाओ बस। ये बॉट को फिनिश करने के साथ भाई यहाँ 15 किल हो गया था, लेकिन भाई एक किल मेरे को और चाहिए था। मेरे को यहाँ याद था कि भाई एक बंदे को मैंने और नॉक किया है, जो बंदा यहाँ पे तड़प के मर जाता है। और अब लूट वगैरह करके निकलते हैं फटाफट। अब यहाँ से गाड़ी लेके निकले हैं तो भाई आपको पता ही हम लोग कहाँ जाएंगे, जाहिर सी बात है अपार्टमेंट से, क्योंकि भाई अपार्टमेंट में बंदे होते ही होते हैं। और वैसा ही होता है भाई साहब, बंदे आगे के साइड थे तो भाई पहले मैं अपार्टमेंट में गाड़ी रोकते हैं और अब चल के ऊपर देखते हैं इनको। और ये जो स्क्वाड है भाई कसम से बहुत ही हरामी स्क्वाड थी। जैसे यहाँ छत के ऊपर आया, बंदा मेरे को सामने दिखा, एक और बंदा दिखा, पर जैसे ये लोग कूद के सामने वाले अपार्टमेंट में आ रहे थे, इतना मेरे को आइडिया हो गया था कि इनको पता चल चुका कि भाई सामने कोई आया है।
तो फटाफट यहाँ में लोकेशन चेंज करते हैं और इसका फायदा देखो अब क्या होता है। अब दो बंदों को मैं नॉक तो कर देता हूँ, पर भाई तीसरे बंदे ने यहाँ मेरे टीममेट को नॉक कर दिया था और अब दिक्कत हो गई थी थोड़ी सी। एक बंदे को तो पूरा खा जाता हूँ, पर दूसरे बंदे ने स्मोक वगैरह खतरनाक कर दिया था। अब बंदे को एक दो बॉडी और हेड लगा था, तो भाई नेड करते हैं फटाफट। अब जैसे ही एक दो गोली पड़ी भाई, मैंने सोचा कि भाई सबसे पहले चलकर टीममेट को बचाते जाते, स्टाइल मारने के चक्कर में ऐसा ना हो कि भाई अच्छा खासा गेम खराब हो जाए। लेवल 1 का नन्नी वेस्ट था, पूरा जगह कहीं ना। थैंक यू। अब बंदा रस तो भाई यहाँ खतरनाक करता है, पर नीचे गिर जाता है। और अच्छा हुआ नीचे गिर गया, क्योंकि नीचे नहीं गिरता ना तो बहुत ही गंदा पेटी बनता इसका। अब इन बंदों का यहाँ रस देख रहे हो, मतलब भाई उड़ उड़ के बंदे आ रहे हैं, लेकिन जो भी हो देखना क्या होता है। अब इधर आगे अब भाई बंदे को यहाँ हेड बॉडी दोनों मार रहे हैं, पर टीममेट का किल चुरा लेता है। खैर क्या कर सकते हैं, नीचे से एक और बंदा आ रहा था। अब भाई डैमेज तो यहां मैं देता हूं, पर पता नहीं कैसे पीक पे क्लिक हो जाता है और भाई सब बंदा मार ही देता है। खैर टीममेट यहां बचा लेता है। बाकी अब यहां से देखते जाओ क्या खतरनाक फाइट आपको देखने को मिलने वाली है। अब जैसे यहां मैं लूटने आता हूं, टीममेट एक बंदे को नॉक करता है। मैं सोचा चलो ठीक है नॉक कर दिया है, लेकिन अब ये देखो भैया जी क्या करते हैं। अब नॉक करके बंदे को फिनिश करना चाहिए, तो भैया जी अपने गर्लफ्रेंड की तरह बंदे को कंधे पे उठा रहे थे और इनका भी पेटी बन गया। लेकिन जो भी अब सामने जो बंदे हैं वो रस करने वाले हैं, देखते जाओ। अब एक बंदे को मैंने पैदल देखा, मैं सोचा भाई बंदे पैदल भाग के आएंगे, पर बंदा तो चलाक निकलता है, गाड़ी से आ जाता है सामने वाले अपार्ट में। और अब देखते जाओ क्या होता है। अब मैं बैठा ही था कि बंदे गाड़ी निकालने की साउंड आती है। बंदा अगर खिड़की से आया होता तो भाई उसका गलत ही पेटी बनता, लेकिन जो भी हो नॉक वाले बंदे को तो यहाँ फिनिश कर देता हूँ। पर अभी भी यहाँ दो बंदे थे जो कि भाई नीचे भटक रहे थे आत्मा की तरह। अब ये ड्राइवर गाड़ी रोक के लगा अपने मालिक को बुला रहा था जो कि मेरा नीचे बैठा हुआ है, और भाई क्या कर रहा है बंदा देखो घास में। अब ये शायद पेटी लूट रहा था या क्या कर रहा था मेरे को नहीं पता, लेकिन देखना अब कैसे मारते हैं इसको। उसी में टूटता है भी चढ़िया में। जैसे ही कूदा बंदा यहाँ टीममेट को बचाने जा रहा था, लेकिन फिनिश कर देते हैं। उसके बाद अब लूट वगैरह करके भाई सीधा यहाँ से निकलते हैं और बंदों पे रस करने के लिए। और अब देखते जाओ यहाँ से मैं निकलता हूँ ना और जाता हूँ यासनाया।
और जैसे यहाँ पे आया भाई, राइट में बड़े वाले बिल्डिंग पे एक बंदा छत के ऊपर दिखा मेरे को। भाई साहब फायरिंग देख रहे हो, मतलब पूरी स्क्वाड मार रही है, MG3 M4 AK-M जो है सबसे। और यही वो स्क्वाड जो भाई खतरनाक कैंप करके बैठी थी, मतलब हर बिल्डिंग पे एक बंदे दो बंदे चढ़ के बैठे थे भाई, ऐसा लग रहा था कि मेरे को ही मारने के लिए बैठे हैं। क्योंकि अब जैसे यहाँ संजू बिन खाया मैं और उड़ के मेरे को सामने वाले घर के ऊपर जाना था। जैसे ही यहाँ आया भैया जी जोन बन जाता है आगे के साइड। अब मैं फाइट करना नहीं चाह रहा था क्योंकि बंदे छत के ऊपर चढ़ के बैठे थे और बंदे कहाँ कहाँ पे, इसका मेरे को जरा भी आइडिया नहीं, बस एक दो बंदे को पता था और ये चार बंदे थे पूरे। ठीक है, तो फिर से यहाँ बिन खाया मैं। और आया इस वाले घर पे, लेकिन भाई जोन इतना आगे बन गया था कि भाई अब मेरे को लगा दिक्कत होने वाली है। फिर मैं सोचा कि एक बंदे को नॉक करके इनके ऊपर ही रश करते हैं, लेकिन एक और बंदा सामने छत के ऊपर। और अब मैं समझ गया कि ना भाई इनसे फाइट करना सही नहीं होगा, जो उनके बाहर भी हैं प्लस ये लोग भाई पूरा एंगल लेके बैठे हैं यार बिल्कुल अच्छे से, कि भाई इसको तो देखो मारेंगे उसके बाद भले जो उनसे मर जाए पर चलेगा, लेकिन इसको मारना है। तो सबसे पहले यहाँ बाहर आया और भाई मेरे पास गाड़ी था ये वाला, सबसे अच्छी बात ये थी, नहीं तो मेरा पेटी पक्का यहाँ बन जाता और गाड़ी उठा के निकल गया मैं। लेकिन ये बंदे मेरा पीछा नहीं छोड़ते, पर इनकी फाइट बाद में देखेंगे, उससे पहले यहाँ पे देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मतलब देखते जाओ यहाँ मेरी हरकत। बंदा देखते ही बूस्ट मार के यहाँ से भागा मैं आगे। यहाँ हरकत देख रहे हो तुम्हारे भाई की, मतलब इतना गंदा भाई गाली उड़ा था ना, अगर दो तीन बंदे मार रहे होते स्प्रे तो भाई बहुत ही गंदा पेटी बनता यार, दिमाग खराब हो जाता। वैसे मैंने ये जानबूझ के नहीं उड़ाया था, पता नहीं कैसे उड़ गया। खैर अब अगर जो अभी तक वीडियो देख रहे हो और भाई लाइक नहीं किया कर दो यार, और जो बंदे भी चैनल पे नए हो नीचे आपको राइट में लाल बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का दबा दो, बस दिल खुश हो जाएगा तुम्हारे भाई का। बाकी बरस करते हैं। एक्सीलेंट वर्क। जैसे यहाँ पे आया भाई एक बंदा ओपन में था, उसकी मेरे को दिक्कत नहीं थी, पर एक जो बंदा था वो भाई सामने छत के ऊपर चढ़ा हुआ था, ये मेरे को दिक्कत देने वाला था। दो नेड तो कर देता हूँ पर इससे कुछ होता नहीं है। उसके बाद जैसे ही तीसरा नेड करने वाला होता हूँ बंदा रश कर देता है। अब भाई क्या ही भाग के यहाँ घर के अंदर आया पहले और हेल्थ मारा। और यहाँ पे भाई मेरा किल चोरी भी हो जाता है। और भाई ये वो स्क्वाड आ गई थी जो भाई वहां यसनाया में थी, और अब मैं समझ गया था कि भाई सैक के अंदर के चुपचाप बैठ जाओ क्योंकि वो बंदे तो बस मेरे को मारने के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन फिर मेरे लगा बंदा नेड ना फेंक दिए गिल्ली सूट वाला, तो बाहर आता हूं। और उतने में जैसे मैंने गाड़ी की साउंड सुनी कि भाई घर पे एक गाड़ी आ चुका है, मैं समझ गया वो यसने वाली स्क्वाड आ चुकी है भैया जी। और ये देखो मेरे कोई मारने लगे बंदे, देख रहे हो, तो तुरंत भाग के वहां से मैं निकला पहले, क्योंकि बीच में चटनी बनने से अच्छा है कि भाई थोड़ा सा दूर चले जाओ। और यहाँ मेरे पास वेस्ट नहीं था तो भाई वन का वेस्ट उठाता हूँ घर के अंदर से। और अब धड़ाधड़ नेड़ आ रहा था तो भाई सबसे पहले छत के ऊपर चढ़ते हैं।
अब ये गिल्ली सूट वाला बंदा भी यहाँ मेरे को देख रहा था, तो भाई मैं सबसे पहले स्मोक करता हूँ जिससे कि भाई लेफ्ट साइड से बंदे को एंगल ना मिले मेरे ऊपर। अब मेरे को यहाँ जोन जाना था और बंदे भाई हर एंगल पे बैठे हुए थे। अब गिल्ली सूट वाले बंदे को ये लोग मार देते हैं, बाकी अब फाइट देखो उसके बाद बात करते हैं आपसे। भाई साहब ये वाली स्क्वाड को मारने के बाद जो मजा आया था ना, मतलब भाई उस टाइम तो ऐसा दिल का धड़कन बढ़ गया था। वैसे गेम में आपको नहीं लगा होगा ऐसे वीडियो देखते टाइम कि भाई क्या हुआ, लेकिन उस टाइम भाई हालत खराब थी मेरी। खैर जो भी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और अब दिखाते हैं आपको भाई स्ट्रीमर वाला फाइट, तो बस तैयार हो जाओ, बाकी लाइक कर दो अभी तक जिन्होंने नहीं किया। और भाई इससे भी खतरनाक वीडियो आगे आपको देखने को मिलने वाली जो कि अगली वीडियो आएगी, तो बस तैयार हो जाओ। बाकी अब बढ़ते हैं वो लाइव स्ट्रीम वाली फाइट की तरफ, और भाई इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा मजा आएगा क्योंकि यहाँ पे बताऊंगा नहीं, देखो पहले आप लोग। अब Don't have a vessel, man. Bro, I have another need, another molly, bro. Okay, open a race for you. Hey, what is this? We're collecting some points. Hey, here, lot of numbers in there, bro. Careful. Just wait. Bro, kill him with... And another guy is there, अब बंदे तो भाई परेशान करके नेड मोली करके मारते हैं, बाकी तुम्हारा भाई बदला लेने यहाँ फिर से आ जाता है। ना ये चार बंदे मैं अभी पिटने की हालत में। अब ये यहाँ दूसरी टीम थी भाई, इनको मार के फिनिश कर दिया, बाकी अब उनसे फाइट होने वाली, तो बस देखते जाओ। बाकी दोनों साइड को फाइट आपको दिखाने वाला हूँ एक साथ, देखो बस। अरे ब्रो नेटवर्क प्रॉब्लम ब्रो। अब बंदे को भाई हेट वगैरह मत देना आप लोग जाके, भाई बंदे ने मेरे को मारा है तो हेट वगैरह देने की जरूरत नहीं है। बाकी माइलो सर्कल को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, जिससे आप आईफोन 15 थार और ढेर सारा कैश जीत सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस।